उदाहरण 10। प्रश्न, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है, साथ ही ई ए लंब ए बी है। यदि कोण बी ई एफ बराबर 55 अंश हैं तो एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। हल, दिया है कि ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ, अतः ए बी समांतर ई एफ। चित्र में देखिए, चित्र क्रमांक 34। दिए गए चित्र में बी ई को जी तक बढ़ाया। अब हम लिख सकते हैं कोण डी ई एफ धन कोण एफ ई जी बराबर 180 अंश, क्योंकि आप चित्र में देखिए ये दोनों कोण रैखिक युग्म कोण हैं। अब चित्र से आप देख सकते हैं कि कोण डी ई एफ बराबर 55 अंश, इसलिए हम लिखते हैं 55 अंश धन कोण एफ ई जी बराबर 180 अंश। आगे हम देख सकते हैं कोण एफ ई जी बराबर 180 अंश ऋण 55 अंश, या कोण एफ ई जी बराबर 125 अंश। फिर से चित्र देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं कोण एफ ई जी बराबर वाई बराबर एक्स बराबर 125 अंश, क्योंकि ये संगत कोण हैं। पुनः चित्र देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं कोण सी ई डी धन कोण डी ई एफ बराबर 90 अंश, क्योंकि ई ए लंब है ए बी पर और ए बी समांतर ई एफ। चित्र में देखिए कोण सी ई डी का मान जेड अंश दिया हुआ है और कोण डी ई एफ का मान प्रश्न में ही है, चित्र में बना हुआ है 55 अंश का बराबर 90 अंश, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 अंश ऋण 55 अंश या जेड बराबर 35 अंश। इस तरह से हम एक्स वाई और जेड तीनों के मान मिल गए, एक्स अंश बराबर 125 अंश, वाई अंश बराबर 125 अंश और जेड बराबर 35 अंश।